हाय गाइस, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी अच्छी होगी। मैं आपका फ्रेंड अवधेश प्रजापति आपके अपने चैनल फ्यूचर बिल पर आपका स्वागत करता हूं। तो हमारा डायरेक्शन का टॉपिक चल रहा था और डायरेक्शन में अभी तक मैंने टाइप फर्स्ट को एंड सेकंड को कंप्लीट करा दिया है। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं टाइप थर्ड को, उसे किस तरीके से करेंगे वो इस वीडियो में जानने वाले हैं। अगर आपने डायरेक्शन से रिलेटेड पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आपको जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में एंड आइकन पर मिल जाएगी, जिससे कि आप वहाँ से चीज़ों को देख सकते हो। तो चलिए चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। लेट टू नो, लेट टू डिस्कस। सो चलिए चीज़ों को स्टार्ट करते हैं, टाइप थर्ड को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, टाइप थर्ड में आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इन विच डायरेक्शन ही इज़ फेसिंग, व्यक्ति का मुख है वो किस दिशा में है। तो इस जैसे क्वेश्चन को आपको किस तरीके से डील करना है, तो देखिए क्वेश्चन है वो आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आएगा। इन्हें आप किस तरीके से डील करोगे, तो देखिए मैं क्वेश्चन है वो पढ़ता हूँ। ओके, मैं दोनों चीज़ें ही आपको बताऊँगा, कॉन्सेप्ट बताऊँगा एंड डायरेक्ट है वो आप डायरेक्टली आप टाइप थर्ड को किस तरीके से कर सकते हो, दोनों ही चीज़ें मैं बताऊँगा। आपको जैसा अच्छा लगता है आप जिस तरीके से कर सकते हो। ओके, तो देखिए मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूं। अ मैन इज फेसिंग नॉर्थ, एक व्यक्ति है वो उत्तर की ओर मुख किए हुए है। ओके, मुख किए हुए, मैं डेटा लिख देता हूं पहले यहां पे। ओके, फिर मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आपको डील करना है। फर्स्ट ही टर्न 90 डिग्री क्लॉकवाइज। ओके, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। देन ही टर्न 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। 45 डिग्री भाई मैंने एंटी क्लॉकवाइज बना दिया। एंड फाइनली ही टर्न 90 डिग्री क्लॉक वाइज। ओके, 90 डिग्री क्लॉक वाइज डायरेक्शन। ओके, अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, नाउ इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग, व्यक्ति का मुख है वो किस दिशा में है। तो देखिए ये आपके सामने क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन को हटाइए सर। ओके, तो देखिए अब तो इस वाले क्वेश्चन को आप किस तरीके से डील करोगे, तो देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज है वो आपको समझ में आ गई होगी। कोई पर्सन था, नॉर्थ में था, उसने 90 डिग्री क्लॉकवाइज उसने टर्न लिया, फिर उसने 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न लिया, फिर अगेन उसने 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न लिया। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग, व्यक्ति का मुख है वो किस दिशा में। तो देखिए मैं सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ इसका, फिर मैं डायरेक्ट पे आऊँगा कि आप डायरेक्ट है वो किस तरीके से कर सकते हो। तो देखिए आपके सामने ये ग्राफ बना हुआ है, यहाँ पर बना देता हूँ एक बार मैं फिर से। ये आपका ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ओके, तो देखिए जो पर्सन है वो कहाँ पर है, नॉर्थ में। ओके, ठीक है, उसने 90 डिग्री क्लॉकवाइज उसने मूव किया, यानी कि कोई पर्सन था वो पहले नॉर्थ में था, उसने 90 डिग्री है टर्न लिया क्लॉकवाइज, यानी कि वो कहाँ पर आ गया, ईस्ट में आ गया। ओके, सेकंड नंबर पर आ गया कोई पर्सन। ओके, अगेन उसने 45 डिग्री है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव किया, यानी कि ईस्ट का एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री क्या होगा, आप कहोगे नॉर्थ ईस्ट। क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट होगा मेरे भाई, क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट, यानी कि वो अब यहाँ पर आ गया कहाँ पर, तीसरे नंबर पर, यानी कि जो पर्सन है वो कहाँ पर आ गया, नॉर्थ ईस्ट में आ गया। ओके, अगेन उसने 90 डिग्री है वो क्लॉकवाइज मूव करता है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा मेरे भाई, ये क्या है, साउथ ईस्ट, यानी कि फोर्थ, यानी कि जो पर्सन है वो कहाँ पर फेस कर रहा होगा, व्यक्ति का मुख है वो किस दिशा में है, आपका आंसर होगा क्या, क्या होगा आपका आंसर, साउथ ईस्ट। ओके, तो देखिए ये मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया आपको, कोई पर्सन था वो नॉर्थ में था पहले, ठीक है, नॉर्थ में था कोई पर्सन, उसने 90 डिग्री क्लॉकवाइज उसने टर्न लिया, यानी कि वो ईस्ट में आ गया, फिर उसने 45 डिग्री है वो एंटी क्लॉकवाइज टर्न लिया, यानी कि वो नॉर्थ ईस्ट में आ गया, फिर उसने 90 डिग्री है वो क्लॉकवाइज टर्न लिया, यानी कि जो पर्सन है वो कहाँ पर आ गया, साउथ ईस्ट में। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये था कॉन्सेप्ट। अब देखिए इसे आप डायरेक्टली है वो किस तरीके से करोगे वो बड़े ध्यान से देखिए। 45 डिग्री में आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा, तो देखिए ये नॉर्थ है ये ईस्ट है, इन दोनों के बीच में एंगल है वो कितने का है, 90 डिग्री का है, कितने का है, 90 डिग्री का है, ये इसके ठीक बीच में है, यानी कि ये दोनों डिवाइड होंगे, 45 डिग्री के एंगल बनेंगे दो, यानी कि अगर मैं बोलूँ नॉर्थ से 45 डिग्री क्लॉकवाइज, तो आपका आंसर क्या होगा, नॉर्थ से 45 डिग्री क्लॉकवाइज, यानी कि वो पर्सन है कहाँ पर आएगा, नॉर्थ ईस्ट में, कहाँ पर आएगा, नॉर्थ ईस्ट में। ओके, अगर मैं बोलूँ कोई पर्सन नॉर्थ ईस्ट में है, कोई पर्सन नॉर्थ ईस्ट में, उसने 45 डिग्री क्लॉकवाइज उसने मूव किया, यानी कि वो पर्सन है वो कहाँ पर आ जाएगा, ईस्ट में आ जाएगा।
ओके, यानी कि ये 45-45 की होते हैं, 45-45 डिग्री के टोटल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि नॉर्थ से लेकर ईस्ट तक 90 डिग्री होता है। ओके, तो ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया। अब डायरेक्टली है इसे आप किस तरीके से करोगे, तो देखिए जहाँ कहीं भी आपको क्लॉकवाइज नज़र आ रहा है उन्हें आपस में ऐड कर दो, जहाँ कहीं भी आपको क्लॉकवाइज नज़र आ रहा है उसे आपस में ऐड कर दो, एंटी क्लॉकवाइज नज़र आ रहा है उसे आपस में ऐड कर दो, और उन दोनों का डिफरेंस है वो निकाल लो। किसका क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का डिफरेंस है वो निकाल लो, जो डिफरेंस आएगा वही आपका आंसर होगा। तो देखिए 90 डिग्री क्लॉकवाइज, यानी कि 90 और 90 कितना होगा 180 क्लॉकवाइज, क्या होगा 180 क्लॉकवाइज। लेकिन ये अकेला क्या है 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि जो बचा हुआ है कितना 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, कितना एंटी क्लॉकवाइज। अब इनका डिफरेंस है वो निकाल लो, तो इनका डिफरेंस है वो कितना होगा 135, क्या होगा 135, जो बड़ा है, बड़ा क्या है क्लॉकवाइज, यानी कि 135 क्लॉकवाइज, यानी कि आप नॉर्थ से 135 क्लॉकवाइज पर्सन को मूव करा दो, क्या पर्सन को मूव करा दो, वही उसकी फेसिंग होगी, व्यक्ति का मुख है वो निकल के आ जाएगा, यानी कि नॉर्थ का 135 डिग्री है वो क्या होगा। तो देखिए नॉर्थ से ईस्ट तक कितना होता है 90 डिग्री, कितना होता है नॉर्थ से ईस्ट तक 90 डिग्री, ये 45 डिग्री हो जाएगा, यानी कि जो पर्सन है वो कहाँ पर आएगा साउथ ईस्ट में, क्या आएगा साउथ ईस्ट में, यही उसका आंसर हो जाएगा, क्या होगा साउथ ईस्ट में। देखिए नॉर्थ में कोई पर्सन था, हमें 135 डिग्री है वो क्लॉकवाइज मूव कराना है पर्सन को, तो देखिए नॉर्थ से लेकर ईस्ट तक ये कितना है 90 डिग्री, फिर मुझे अब बचा हुआ कितना है, अब बचा हुआ है मैंने 90 डिग्री तो मूव करा दिया, बचा हुआ कितना है 45 डिग्री, यानी कि ईस्ट से 45 डिग्री कितना होगा क्लॉकवाइज साउथ ईस्ट, ये आपका आंसर आ जाएगा। आई थिंक सो आपको समझ में आ गया होगा, आपको जो जो सेम नज़र आ रहे हैं, यानी कि क्लॉकवाइज को आपस में ऐड कर दो, एंटी क्लॉकवाइज को आपस में ऐड कर दो, और फिर उन दोनों का डिफरेंस है वो निकाल लो, आपका पर्सन की फेसिंग है यानी कि मुख है वो आ जाएगा। ओके, आई थिंक सो आपको ये कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। अब मैं क्वेश्चन है वो डायरेक्टली यहाँ पर लिखता हूँ। ओके, सो देखिए ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखा हुआ है, कोई पर्सन है वो नॉर्थ ईस्ट में है, उसने 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूव किया, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव किया, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव किया, 45 डिग्री क्लॉकवाइज। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया था, जितने भी क्लॉकवाइज हैं उन्हें आपस में ऐड कर लो, जितने भी एंटी क्लॉकवाइज हैं उन्हें आपस में ऐड कर लो, और उनका डिफरेंस है वो निकाल लो, व्यक्ति का मुख है वो आ जाएगा। ओके, तो देखिए क्या है, बड़े ध्यान से देखिए, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, ये भी 45 डिग्री क्लॉकवाइज, ये भी 45 डिग्री क्लॉकवाइज, इन्हें आपस में ऐड करोगे तो कितना आएगा 90 45 45, यानी कि 180 क्लॉकवाइज आएगा। ओके, अब आपस में एंटी क्लॉकवाइज वाली ऐड कर लीजिए, यानी कि 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि ये कितना आएगा 135 एंटी क्लॉकवाइज। अब इनका डिफरेंस है वो निकाल लीजिए, तो देखिए कितना आएगा 45 डिग्री, क्या आएगा बड़ा किसका है, बड़ा कौन सा नंबर है एंटी क्लॉकवाइज का, यानी कि 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए अब नॉर्थ ईस्ट से 45 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न लेना है, तो देखिए नॉर्थ ईस्ट कहाँ है मेरे भाई, नॉर्थ ईस्ट से 45 डिग्री है वो आपको क्लॉकवाइज टर्न लेना है, यानी कि जो पर्सन है वो कहाँ पर आ जाएगा ईस्ट में आ जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर है वो क्या होगा ईस्ट होगा, होगा या नहीं। ओके, तो देखिए मैं आपको एक और मेथड बता देता हूँ, ये रिलेट करता है टाइप फर्स्ट और सेकंड से। मैंने आपको टाइप फर्स्ट और सेकंड में क्या बताया था कि जब भी आपको लेफ्ट और राइट आपस में मिले, क्या जब भी आपको लेफ्ट और राइट मिले उन्हें आपस में कैंसिल आउट कर दो, यही तो मैंने बताया था। ठीक है, मैंने क्या बताया था कि जितने भी आपको लेफ्ट और राइट मिले उन्हें आपस में कैंसिल आउट कर दो, यानी कि मुझे बता सकते हो आप क्या कि लेफ्ट का मतलब है वो क्या होता है, आप कहोगे लेफ्ट का मतलब है वो 90 डिग्री है एंटी क्लॉकवाइज होता है, क्या होता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज होता है। ओके, क्या मुझे बता सकती हो राइट का मतलब है वो मैंने आपको क्या बताया था, आप कहोगे राइट का मतलब है वो आपने बताया था 90 डिग्री है वो क्लॉकवाइज, क्या बताया था 90 डिग्री क्लॉकवाइज,
और मैंने आपको ये भी बताया था कि जितने भी लेफ्ट और राइट हैं उन्हें आपस में कैंसिल आउट कर दो, यानी कि इन्हें मैं आपस में कैंसिल आउट करता था। इट मीन्स मैं 90 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज को 90 डिग्री क्लॉक वाइज से क्या करता था, कैंसिल आउट करता था। तो इसी अप्रोच को क्या आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो? आप कहोगे बिल्कुल कर सकते हो। तो देखिए ये वाली जो अप्रोच है इसे भी आप इसी पे अप्लाई कर दो, आपका आंसर है वो आ जाएगा, ये भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज इन्हें आपस में कैंसिल आउट कर दो, ओके। 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 45 डिग्री क्लॉकवाइज इन्हें आपस में कैंसिल आउट कर दो। अब बचा हुआ है आपके सामने क्या, 45 डिग्री क्लॉकवाइज, यानी कि नॉर्थ ईस्ट का 45 डिग्री क्लॉकवाइज आपको टर्न लेना है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट का 45 डिग्री है वो क्लॉकवाइज टर्न लोगे तो आप कहाँ पर आ जाओगे, ईस्ट में, यानी कि आपका आंसर है वो क्या आएगा, ईस्ट। आई थिंक सो ये भी मेथड है वो आपको समझ में आ गया होगा। मैं और क्वेश्चन है वो आपके सामने लिखता हूँ, ओके। सो चलिए ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3rd and 4 है, इन्हें आप किस तरीके से डील करोगे। तो देखिए कोई पर्सन साउथ में है, उसने राइट टर्न लिया, लेफ्ट लिया, राइट उसने 45 डिग्री मूव लिया, ओके, राइट 45 डिग्री, फिर उसने लेफ्ट टर्न लिया एंड आपसे पूछा गया है कि बताइए व्यक्ति का मुख है वो किस दिशा में। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि राइट का मतलब है वो क्या होता है मेरे भाई, आप कहोगे राइट का मतलब है, अभी मैंने आपको बताया था राइट का मतलब है वो, मैंने अभी आपको बताया था 90 डिग्री क्लॉकवाइज, लेफ्ट का मतलब है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज बताया था, ओके, एंड लेफ्ट का मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो मैंने क्या बताया था, इन्हें आपस में कैंसिल आउट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ओके। अब आपके सामने क्या बचा हुआ है, राइट 45 डिग्री, यानी कि 45 डिग्री आपको राइट मूव करना है, यानी कि क्लॉकवाइज, क्या मेरे भाई, यानी कि क्लॉकवाइज, ओके, यानी कि 45 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, इन्हें आपस में क्या कर दो, डिफरेंस निकाल लो। तो देखिए 45 डिग्री इसका है क्लॉकवाइज है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है, यानी कि 45 डिग्री किसका आएगा, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है वो बड़ा है, क्या है, बड़ा है, यानी कि साउथ से आपको 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न लेना है, साउथ से आपको 45 डिग्री एंटी क्लॉक टर्न लेना है, यानी कि आपका आंसर है वो क्या आएगा, साउथ ईस्ट, क्या आएगा, साउथ ईस्ट, ओके। आई थिंक सो आपको समझ में आ गया होगा, कोई व्यक्ति साउथ में था उसे मुझे 45 डिग्री है वो एंटी क्लॉकवाइज टर्न लगवाना है, यानी कि मूवमेंट करानी है, यानी कि जो पर्सन है वो कहाँ पर उसका फेस होगा, साउथ ईस्ट में, ये आपका आंसर आ जाएगा, ओके। अब देखिए यहाँ पर एक भी है, यानी कि कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है उस कंडीशन में। मैंने अभी आपको बताया था कि इन्हें आपस में ऐड कर लो, यानी कि क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज को ऐड कर लो, एंटी क्लॉकवाइज को ऐड कर लो और उनका डिफरेंस है वो निकाल लो, आपका आंसर है वो आ जाएगा। तो देखिए 135 क्लॉकवाइज, 135 क्लॉकवाइज, यानी कि इन्हें आपस में ऐड करोगे तो कितना आएगा 270 क्लॉकवाइज। अब बचा हुआ है आपके सामने क्या, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, डिफरेंस कितना आएगा मेरे भाई, 180, कितना आएगा, 180 किसका, क्लॉकवाइज, यानी कि ईस्ट का 180 क्या होगा, क्लॉकवाइज, ईस्ट का 180 है वो क्या होगा, 180 क्लॉकवाइज क्या होगा। आप कहोगे देखो ईस्ट का 90 डिग्री क्या होता है, क्लॉकवाइज, साउथ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होता है, ईस्ट, क्या होता है, सॉरी वेस्ट, क्या होता है, वेस्ट, ईस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज साउथ, साउथ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होगा, वेस्ट, क्या होगा, वेस्ट, यानी कि मैं ये भी कह सकता हूँ कि 180 का मतलब क्या होता है, 180 का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन, क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन, क्या होता है, 180 का मीन्स होता है अपोजिट डायरेक्शन, ईस्ट का 180 क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि बेस्ट, क्या होगा, बेस्ट। पिछले टाइम में आपको बताया था कि यानी कि दो लेफ्ट हो या दो राइट हो उसका मतलब क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि मैं आपको कह सकता हूँ ये दो राइट या दो
लेफ्ट का मतलब है 180 डिग्री क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज सेम है। ओके आई थिंक सो ये आपको समझ में आ गया होगा फोर्थ क्वेश्चन नंबर कि आपको किस तरीके से डील करना है। 180 का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन। ओके तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं अगले टाइप के साथ, तब तक के लिए नमस्कार एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय भारत।